हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IIIT भागलपुर की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर। अगेन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है एंड इनकी तरफ से इन्वाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस MTech PhD के लिए। हम PhD के नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आप MTech में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप खुद से देख लीजिएगा। कोई इशू होता है तो आप बता दीजिएगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प। सो एनीवे, यहाँ पे आप इनके वेबसाइट पे सबसे पहले विजिट करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए IIITBH.ac.in। देन यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट डेट। सो लास्ट डेट 15th of June थी, एक्सटेंड हो गई है, अभी लास्ट डेट है 25th of June 2023। सो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है तो जो वेबसाइट है, वेब पेज है डेडिकेटेड, वो ओपन हो जाएगा। ये है वो पेज, MTech की इन्फॉर्मेशन है, देन है PhD। सो PhD में रूल्स रेगुलेशंस है, बेसिकली ऑर्डिनेंस है, फी स्ट्रक्चर है, यहाँ है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, राइट, कंबाइंड है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। देन ये रहा पोर्टल, इसी पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सॉफ्ट कॉपी भेजनी है, तो अप्लाई कर लीजिएगा। फी पेमेंट सारी चीज़ें, ठीक है, सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप इस ईमेल आईडी पे भेजेंगे, ठीक है। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई इशू है, तो आप डॉक्टर संदीप और डॉक्टर हिमाद्री को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ठीक है। तो फॉर एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट यहाँ पे डिटेल्स हैं, राइट। सो चलिए देखते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, देन वन बाय वन जो और भी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन से उन्हें। सो यस, ये है एडमिशन ब्रोशर, 5 मई को आया था। सबसे पहले ओवरव्यू है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, सॉरी इंस्टीट्यूट के बारे में, आफ्टर दैट डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलाइजेशन से, ठीक है। सो बात करते हैं PhD डिपार्टमेंट्स की। तो देखिए सबसे पहले CSE है, प्लीज़ एरियाज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। सो सॉरी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इज़ देयर, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आफ्टर दैट MAE मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, एंड लास्ट है मैथ्स। तो ह्यूमैनिटीज़ वगैरह के और कोई सब्जेक्ट्स नहीं है, सिर्फ साइंस में भी मैथ्स अवेलेबल है बस, राइट। इसके बाद MTech के डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, देन कैटेगरीज हैं। सो देखिए फुल टाइम कैटेगरीज, आई मीन सबसे पहले फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर कैटेगरी है, जिसमें कि सबसे पहले इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी है। ध्यान देने वाली बात है कि फेलोशिप सिर्फ 15,000 पर मंथ है, एंड वो भी सिर्फ 3 साल के लिए मिलेगी, ठीक है। एक्सटेंशन लेते हैं 5 साल रहते हैं तो नहीं मिलेगी, सिर्फ 3 साल के लिए मिलेगी, वो भी 15,000 पर मंथ, राइट। ऑल्सो गेट रिक्वायर्ड है अगर आपको फेलोशिप चाहिए, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हाईलाइटेड खुद भी हैं और मैंने भी आपसे बता दिया। नेक्स्ट एक्सटर्नल फंडिंग, तो किसी भी और एजेंसी के थ्रू फेलोशिप मिल रही है तो यस, आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है, तो आपको स्पॉन्सर करे कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, रिकॉग्नाइज R&D इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, PSUs एक्सेट्रा, तो यस आप इस कैटेगरी में एलिजिबल होंगे। फेलोशिप यहाँ से नहीं मिलेगी, बाकी आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड भी होना होगा एंड प्रोफेशनली एम्प्लॉयड पर्सन आपको होना होगा इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। मिनिमम 2 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिव फील्ड में होना चाहिए, फाइन। आफ्टर दैट यहाँ फॉरन स्टूडेंट्स के लिए है, अगर आपको गवर्नमेंट या अवॉर्डेड कोई स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ICAR की या ऐसे किसी और एजेंसी की, तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। लास्ट आई मीन नेक्स्ट सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी है, तो आपको किसी भी एजेंसी से फेलोशिप नहीं मिल रही बट आपको PhD करनी है, आपको इंटरेस्ट है, तो यस आप कर सकते हैं बिना फेलोशिप के भी PhD, राइट। सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी आपके लिए है। NRI वगैरह के लिए भी है कि NRI स्टूडेंट है तो आप भी फुल टाइम PhD कर सकते हैं बिना किसी फेलोशिप के, अप्रूवल वगैरह जो भी है वो रिक्वायर्ड होगा। देन प्रोजेक्ट स्टाफ, तो अगर आप इस इंस्टीट्यूट में हैं, किसी प्रोजेक्ट में हैं एंड आप चाहते हैं कि अब आपको PhD भी करनी है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे है कि एटलीस्ट 1 ईयर जो ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट की वो होनी चाहिए, एंड बाकी अगर सपोज़ आप ऑफकोर्स PhD तो ज़्यादा टाइम की होती है ना, अगर उससे पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, प्रोजेक्ट से तो आपको पैसे मिल रहे हैं, आई मीन फेलोशिप मिली, नॉट लाइक पैसे नहीं, मतलब फेलोशिप मिल रही है, स्टाइपेंड मिल रहा है, तो अगर आपका प्रोजेक्ट ख़त्म तो फेलोशिप ख़त्म, ठीक है, इंस्टीट्यूट से नहीं मिलेगा। अब आप फिर सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में ट्रांसफ़र काइंड ऑफ कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। देन पार्ट टाइम PhD भी है, सो अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप कर सकते हैं, चाहे आप इसी इंस्टीट्यूट के स्टाफ हो तो आप भी इसी में इंक्लूडेड हैं, एंड बाकी प्रोजेक्ट स्टाफ हैं तो अगेन वही है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरीज यहाँ MTech की हैं, आफ्टर दैट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो देखिए PhD के लिए अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हम अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स डिग्री है, 60% मार्क्स है, 6.5 CGPA के साथ रेलिवेंट एरिया में, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मेडिकल में है रेलिवेंट एरिया में, 75% मार्क्स और गेट के साथ, तो यस आप भी एलिजिबल हैं। या फिर अगर बैचलर्स डिग्री जो है ना वो आपकी 70% मार्क्स ही हैं,
आप IITs, NITs, IIITs या ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, तो यस आप गेट के बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट NRI एप्लीकेंट्स के लिए भी है, तो एक्सेप्शनल केसेस में आप भी कर सकते हैं अप्लाई। रिकॉर्ड वगैरह अच्छा होना चाहिए, 70% मार्क्स। देन मैथ्स के लिए, तो मैथ्स में मास्टर्स डिग्री है 60% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। देन एमटेक हो गया, आफ्टर दैट सिलेक्शन प्रोसीजर है। सो प्रोसीजर क्या है, बस देखिए आपको अप्लाई करना है, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो रिटर्न देंगे, फिर उसमें शॉर्टलिस्ट होते हैं तो इंटरव्यू देंगे, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए पोर्टल एक्टिव ऑलरेडी है, 8th में से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, पैसे आपको अलग अलग देने होंगे। एप्लीकेशन फ़ी 1000 है हर एक कैटेगरी के लिए, एंड बाकी नॉन रिफंडेबल है, राइट। एमटेक के लिए 500 है सब कैटेगरी के लिए, तो सेम है। ये एक अच्छी चीज़ है कि सबके लिए पैसे सेम है, ठीक है। तो अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी ज़्यादा, बट हाँ देखिए 2500 आप एप्लीकेशन फ़ी ले रहे हो स्टूडेंट से, बच्चों से, कैंडिडेट से, लाइक आई डोंट इवन सपोर्ट दैट। मतलब आप किस, ये बात नहीं है यहाँ पे कैटेगरीज़ की, आप 2500 एप्लीकेशन फ़ी ले भी कैसे रहे हो, मतलब इंसान अप्लाई ही ना कर पाए। मतलब आप तो एक तरह से डिस्करेज कर दे रहे हो कि हाँ जिसके पास इतने पैसे नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि देखिए 2500 क्या किसी के पास नहीं होंगे, होंगे, बट सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए जहाँ पे दो सीट है उसके लिए कोई 2500 क्यों देगा। इनफैक्ट आई थिंक आपको याद होगा, अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो बहुत लाइक 5000 भी एप्लीकेशन फ़ी कई यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस लेते हैं। सो हाँ आई थिंक ऐसे इंस्टीट्यूशंस में कोई अप्लाई ना करे, यही बेटर होता है, सो दैट एक लेसन जैसा हो। बट नहीं यार, जो वहाँ के हैं वो तो कर ही देते हैं। बट एनीवे जो भी है, तो आप इतना ज़्यादा किसी एक दो तीन मतलब चार कैटेगरी के लिए करो, या इनफैक्ट सबके लिए करो, ये भी नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा अमाउंट होना चाहिए, सबके लिए सेम कर दो। आप 500 सबके लिए कर दो ना, आपको किसी के लिए 200 और किसी के लिए 1000 करने से बेटर है आप 500 सबके लिए कर दो, सबके लिए इजी हो जाए। बट फिलहाल मेरे यहाँ पे कहने से कुछ नहीं होने वाला, तो आई एम रियली सॉरी। बट हाँ 1500 मतलब PhD एंड MTech की फ़ी है, एंड सभी कैटेगरीज़ के लिए, मेल फीमेल सबके लिए सेम है, ठीक है। फिर यहाँ पे वही प्रोसेस है कि क्या होता है कैसे होता है। देन ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कि अपलोड करने हैं, तो प्रिपेयर करके रखिएगा। एंड यस, देन डेट्स हैं। सो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट यहाँ पे 15th of June थी, अभी क्या है 25th, ठीक है। देन लिस्ट वगैरह आएगी अकॉर्डिंगली, अब सारी डेट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। देन यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इनको देख लीजिएगा, कोई इशू होता है तो मुझे बता दीजिएगा। अभी तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ, रिप्लाई कर भी रही हूँ। सो एनेक्श्योर है, स्पॉन्सरशिप लेटर है, एंड यस बस इतनी इन्फॉर्मेशन है। सो क्योंकि हमने सारी क्राइटेरिया वगैरह देख लिया, एंड ऑर्डिनेंस में क्या होता है ना कि ओवरऑल PhD के जो भी रूल्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, तो हम इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। एक बार मैं उसे ओपन कर दे रही हूँ सो दैट आप उसे देख सकें। तो ये रहा आपका मतलब इस इंस्टीट्यूट का ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन। यहाँ पर आप प्रॉपर डिटेल में देख सकते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं थीसिस सबमिशन तक। सो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन मेरे बताने में या कुछ भी रहा हो तो आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सारे रूल्स होते हैं, राइट। एंड देन आप ऑफकोर्स कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, तो जैसा आपको सूटेबल लगे वो आप करिए। एंड एक बार हम बिफोर साइनिंग ऑफ देख लेते हैं फ़ी स्ट्रक्चर। सो ये रहा फ़ी स्ट्रक्चर। टोटल फ़ी है फर्स्ट सेम लाइक एडमिशन के टाइम इट इज़ अराउंड 66,000। देन जो इवन सेमेस्टर्स होंगे मतलब 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें है अराउंड 47,000। एंड ऑड वाले में 3, 5, 7 इन सब में है 48,000, ठीक है। तो ये है फ़ी स्ट्रक्चर, एंड ये है आज का वीडियो। सो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ रीज़न बता दीजिएगा सो दैट इम्प्रूव कर सकूँ, अपडेट कर सकूँ चीज़ों को। एंड बाकी यस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे, ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।